बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। जांच का विषय है, पोस्टमार्टम और विस्तार रिपोर्ट आने के बाद हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे, लेकिन संभावना तो निश्चित है रूप से है कि ये जहरीली शराब से संभावना है। जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है ये तो बड़ी दुखद बात है। इसके बारे में तो पूरा प्रचार, तो एक और ज्यादा कैंपेन फिर से इसको प्रारंभ करना बहुत जरूरी है। लोगों को एक एक जगह बताना कि बहुत गंदी चीज है, शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है, ये लोग चले जा रहे हैं, तो इस पर और जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती ही और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे। देखिए, अभी तक 11 मौतों का आंकड़ा जो हमें प्राप्त हुआ है SPDM गोपालगंज से, और 10 कंफर्म डेथ्स का आंकड़ा प्राप्त हुआ हमें बेतिया से, लेकिन दो और की संभावना है बेतिया में, लेकिन हम जैसे कंफर्मेशन होगा आप हमें बताएं। तो ये सब क्वेश्चंस लीगल की वजह से है, इलीगल जो बाहर से आ रहे उसकी वजह से? ये अभी जाँच का विषय है, पोस्टमार्टम और विस्तार रिपोर्ट आने के बाद हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे, लेकिन संभावना तो निश्चित है रूप से है कि ये जहरीली शराब से संभावना है। कितने एडमिट हैं सर, उसको भी कुछ इन्फॉर्मेशन? वो हम लोग जांच, कुछ लोग एडमिट हैं लेकिन उनकी स्थिति ठीक है। हम लोग ये तो अलग अलग जगहों पर जब इस तरह की बात होती है तो एक जगह तो कोई अपना इलाज कराने जाता नहीं है, तो हम लोग जगह जगह इससे पता कर रहे हैं कि उनकी इलाज कहाँ। देखिए, ये दुखद है, और जो जहरीली शराब है किसने पहुंचाई, कैसे पहुंचाई, इसकी पूरी पड़ताल होगी। जो इसमें दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शराबबंदी पर पूरी तरह से अडिग है, और जो लोग भी इस तरह से गैर कानूनी तरीके से शराब पहुंचाने का काम करते हैं और उसकी वजह से जो मौत हुई है, ऐसे लोगों को तलाश कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।